हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं मेलबर्न स्टार्ट्स वर्सेस सिडनी थंडर बीबीएल टी20 मैच जो खेला जाएगा मनुका ओवल पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है, जब इस वन के ऊपर मैचेस हुए मनुका ओवल पे तो कौन से प्लेयर्स वो परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, और आखिर के अंदर आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा है, नाम है सैम बिलिंग्स, इस मैच के अंदर नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा प्रैक्टिस मैचेस के स्टैट्स प्लस लास्ट ईयर कैसा रहा था प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली यहां पे, तो आपको बने रहना अंत तक। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये मैच मनुका ओवल कैनबरा के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन सुबह के 10:35 पे स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है फाइनल टीम्स आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करंटली 51,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टैट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ना दोस्तों बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है, आप देख रहे हो ये एक फेक चैनल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है @StatsGuruji IZ। हमारी चैनल के अंदर सीधा सीधा यहाँ पे @StatsGuruji लिखा हुआ रहेगा, जिसके अंदर 51,000 सब्सक्राइबर रहेंगे। आपको ध्यान से जुड़ना है, या फिर मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं किसकी पिच रिपोर्ट की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आज मैच होता ना, कौन सा, मेलबर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट का, ठीक है, उसी पिच के ऊपर ये मैच खेला जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिच यूज रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो यार, थोड़ा सा यार में स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, थोड़े रन कम बनेंगे। और यहाँ पे ना जो मनुका ओवल की पिच है ना, एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेस रहता है पिच के अंदर, आपने देखा रहेगा आज नैथन कुल्टन लाइन ने किस तरह से बॉलिंग कराई थी, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है लंबे कद के बॉलर्स को, और यहाँ पे जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना उनको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रिप मिलता है, स्पिनर्स की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है, मीडियम पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा हेल्प मिला है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस में क्या हुआ था, आप देखो 3 दफा ऐसा हुआ जो टीम पहले बैटिंग करती है ना वो जीतती है 3 बार 5 में से। ठीक है, और इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने, कौन कौन, मेलबर्न स्टार्स ने और सिडनी थंडर ने, दोनों ने यहाँ पे एक मैच खेला है उसके अंदर थंडर जीती थी। क्यों जीती थी बताओ आपको, रीजन ये है कि ये सेकंड होम ग्राउंड है सिडनी थंडर का, पहला होम ग्राउंड कौन सा है, सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम, आपने सुना रहेगा ना, एक सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम करके ये इनका पहला होम ग्राउंड है। दूसरा होम ग्राउंड कौन है सिडनी थंडर्स का, ये है कौन सा, मनुका ओवल, आपको ध्यान देना है होम ग्राउंड रहने वाला है सिडनी थंडर का। और स्पेशल ऑब्जर्वेशन क्या है, आज के मैच में भी वही कहानी रही थी जो आपसे मैंने वीडियो के अंदर बताई थी कल, क्या था, स्क्वायर बाउंड्रीज है ना यहाँ पे बहुत छोटी है, यहाँ पे 10 छक्के लगे थे इस मैच के अंदर। मैं पूरा मैच देख रहा था, मैं बैठ के यहाँ पे नोट्स लिख रहा था, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, 10 में से ना 9 छक्के यहाँ पे कहाँ पे लगे थे, स्क्वायर बाउंड्रीज। अब आप पूछोगे यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज क्या होती है, ठीक है आपको समझा देता हूँ अभी। चलो ये होता है अपना क्रिकेट की पिच, ये होता है अपना 22 यार्ड, ये होता है अपना पूरा स्टेडियम, ठीक है ये समझ लो स्क्वायर बाउंड्रीज इसको बोलते हैं अपन, ये साइड की, ये साइड की हो गई, स्ट्रेट बाउंड्री सीधी वाली रहती है आप जानते ही हो, तो स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी है, ठीक है, और जो सामने वाली बाउंड्री है ना वो लंबी है, तो यहाँ पे छक्के मारना थोड़ा मुश्किल होता है सामने की तरफ। और यहाँ पे आप ग्राउंड की लेंथ देखो तो एक बड़ा खासा ग्राउंड है, यहाँ पे डबल्स भी बहुत निकले थे आज के मैच के अंदर, एवरेज आपको करीबन यहाँ पे 150-200 बनता दिखेगा, और मेरे हिसाब से एक अच्छा मैच रहेगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट एकदम डूबी हुई टीम लग रही थी, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स थे ना सारे जा चुके थे नेशनल ड्यूटी पे, ठीक है आपने भी देखा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात है किसकी, लास्ट यहाँ पे 3 मैचेस में क्या हुआ था, यहाँ पे स्पिनर्स ने 12 विकेट निकाले और तेज गेंदबाजों ने यहाँ पे 20 विकेट निकाले। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ पे स्पिनर्स की भी इंपॉर्टेंस रहेगी। जो आज मैच हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, आज के मैच के अंदर यहाँ पे 7 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाला था और यहाँ पे 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था, ठीक है, तो यहाँ पे स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। सनी वेदर रहेगा पूरा मैच आपको होता हुआ दिखेगा, इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, फिर से अपन आगाज करें यहाँ पे बिग बैश लीग का, आपकी मेरी पसंदीदा लीग है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, बस इतनी सी तो बात है यहाँ पे आपको। यार ऐसे स्टेट्स आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, आज के मैच में कौन था जैक वुड करके था, फिर था अपना हिल्टन कार्टराइट, दिलबर हुसैन, ये दोस्तों अपने पंथ प्लेयर्स से जो आपको मैंने कहा था वीडियो के अंदर ग्राइंडिंग के अंदर इनको ट्राई करना है, वही चले दोस्तों यहाँ पे। तो आपको बस एक मोटिवेशन देना है, इसके अंदर भी आपके लिए मैं कुछ चुनिंदे प्लेयर्स ढूंढ के लाऊँ, आपको ऐसे स्टार्ट्स कोई नहीं देगा, ठीक है, जो मैं आपको दूंगा भी नीचे। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रूल्स आप जानते हो, 3 ओवरसीज प्लेयर, ये तो मैंने आपको पहले पूरे रूल समझा चुके हैं, पावर प्ले 1 से लेकर 4 ओवर तक रहता है, फिर आप 2 ओवर कभी भी ले सकते हो 11 से 18 के बीच के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेली तब क्या है, दोनों टीम्स ने आपस में यहाँ पर 13 बार खेला है, और यहाँ पे सिडनी थंडर कितनी बार जीती है, 7 बार जीती है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आप ये ध्यान से देख रहे हो,
मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे 7 बार जीती है और सिडनी थंडर यहाँ पे 6 बार जीती है। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे सिडनी थंडर यहाँ पे 6 बार जीती है और मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे 7 बार जीती है। हेड मैचेस के अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे किसकी न्यूज की, क्या न्यूज आई यहाँ से आपको बताएगा। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से मार्कस स्टोनिस बॉलिंग नहीं कराएंगे, ठीक है, उनके पाँव के अंदर थोड़ी सी निकल है और आपको बताएगा निक मैडिसन नहीं है। ज़ाहिर खान अपना 14 तारीख तक क्वारंटीन पीरियड पूरा कर रहे हैं। यहाँ से सिडनी थंडर की बात करते हैं, यहाँ से आपको जैसन सांगा हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है उनको और यहाँ से सैम बिलिंग्स आफ्टर क्रिसमस अवेलेबल रहेंगे, वो भी अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे 14 दिन का। यहाँ पे बात करेंगे किसकी लाइनअप्स की, तो आपको पता रहेगा मेलबर्न स्टार्स की लाइनअप्स क्या रहने वाली है। मार्कस स्टोनिस ओपनिंग करेंगे, आते हैं एंड्रयू फ्लेचर ओवरसीज प्लेयर वेस्ट इंडीज के, आएंगे यहाँ से हिल्टन कार्टराइट वन डाउन, फिर आते हैं बेन डन। ये पूरा बैटिंग ऑर्डर सही लिखा मैंने, ठीक है, इस मैच में हो क्या सकता है, अगर थोड़ा सा मैच फंसता है ना तो शायद निक लार्किन ऊपर आके खेलने, क्योंकि इस भाई ने जिस तरह से आके 7-8 बॉल खेली थी ना निक लार्किन ने, वो बहुत ही अच्छे से खेली थी। बैन डंक अपने आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे थोड़े से, यहाँ पे आएंगे फिर ग्लेन मैक्सवेल, एक नंबर खिलाड़ी, कैप्टन इस टीम के, फ्रंट से लीड करते हैं यार, आज का मैच भी उन्होंने जिता के दिया। फिर आते हैं यहाँ से निक लार्किन, क्लिंटन इंकलचीव, ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है। फिर आते हैं यहाँ से नैथन कुल्टन नाइन, एक नंबर गेंदबाज यार। फिर आते हैं यहाँ से एडम जैम्पा, दिलबर हुसैन, यहाँ से बिल्ली स्टैनलिक दिखेंगे और बेंच के ऊपर खिलाड़ी रहेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सिडनी थंडर की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था इस टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ से गिव अवे गया, हैशटैग लगा दो, एच जी फैमिली लिख दो और आपको कमेंट करना है कि एलेक्स हिल्स ए एच लिख देना है, फिर आप ए हिल्स लिख देना कितने रन बनाएंगे, ठीक है। 1 person 1 comment अलाउड है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। क्या पता दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, आप भी यहाँ पे 100 रुपये का हकदार हो जाओ, ठीक है, आपको पेटीएम मिल जाएगा या तो फिर अमेजोन वाउचर या फिर आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, आपका अवार्ड। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एलेक्स हिल्स ओपनिंग करेंगे, फिर आएंगे उस्मान ख्वाजा, एक नंबर खिलाड़ी हैं। फिर आते हैं यहाँ से कुलम फर्गसन, ये आपने देखा रहेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, अभी बस T20s खेलते हैं, ओडीआई खेलते हैं। फिर आएंगे ऐसे मैथ्यू ग्लिक्स, फिर आते हैं यहाँ से एलेक्स रोस, एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर, आते हैं बैन कटिंग्स, डैनियल सैम्स, फिर आएंगे यहाँ से क्रिस ग्रीन, फिर आते हैं यहाँ से एडम मिलिन फास्ट बॉलर, क्रिस टेमन एक राइट आर्म फास्ट मीडियम, जॉनो कुक यहाँ पे लेग स्पिनर। तो आपको बताओ स्पिनर्स कौन कौन है, एक तो अपने क्रिस ग्रीन है ना, ये ऑफ स्पिनर है और जॉनो कुक यहाँ पे लेग स्पिनर है, डैनियल सैम्स लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है, ये एक थोड़ा सा स्ट्रेंज है। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करेंगे प्रैक्टिस मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा था। हिल्टन कार्टराइट ने प्रैक्टिस मैचेस में 67 की नॉक खेली थी, वही उन्होंने फॉर्म बरकरार रखा, आज 46 नॉट आउट खेल के गए थे। और यहाँ से क्लिंटन हिल चीफ ने यहाँ पे 2 विकेट निकाला था और 0 विकेट निकाला था। बात करते हैं सिडनी थंडर की, जो आपको बेसब्री से इंतजार था, उस्मान ख्वाजा ने क्या करा था, यहाँ पे आपको पता रहेगा क्विंसलैंड करके एक टूर्नामेंट होता है, क्विंसलैंड प्रीमियर ग्रेड, ठीक है, उसके अंदर क्रिस लिन खेलते हैं, आपको पता रहेगा बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ था, उस्मान ख्वाजा ने 2 पारियां खेली थी T20 के अंदर, एक मैच में 28 करा था 17 बॉल के अंदर, एक मैच में भाई ने 37 करा था 32 बॉल के अंदर। आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, अगर कोई बता दे तो मुझे बता देना आप, ठीक है, क्योंकि ये स्टैट ढूंढने में घंटों लगते हैं, बता नहीं सकता आपको। फिर आते हैं यहाँ से बैन कटिंग्स, इसने 10 मैचेस खेले थे, ठीक है, ये बहुत दिनों से खेल रहे थे, तो इन्होंने 163 रन्स करे थे, 6 विकेट निकाला था, हल्का सा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन दोस्तों बड़ा खिलाड़ी है, डैनियल क्रिश्चियन की तरह डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। फिर आते हैं यहाँ से ब्रेंटन डॉगेट, 2 मैचेस में 2 विकेट थे। यहाँ पे बात आते हैं लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा था, तो आप देखो सिडनी थंडर की तरफ से एलेक्स हिल्स ने क्या करा था, 17 मैचेस के अंदर पिछले साल 38 के एवरेज, 576 रन्स, हाइस्ट 85, हाइएस्ट रन स्कोर थे इस टीम के सिडनी थंडर्स के, और बिग बैश लीग के सेकेंड हाइएस्ट रन स्कोर ये थे। तो दोस्तों बहुत अच्छे बैट्समैन है, टेक्निक बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे बात करते हैं इनका रिसेंट फॉर्म कैसा है, तो उन्होंने हाल ही के अंदर ना T20 ब्लास्ट खेली थी, आपको पता रहेगा नेटवेस्ट या विटालिटी T20 ब्लास्ट बोलते हैं उसको, उसके अंदर भाई ने क्या करा था, अगस्त के अंदर भी थी, अगस्त सितंबर के अंदर भी थी, 2 महीने चली थी। तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसमें इस भाई साहब ने 11 मैचेस खेले, सिर्फ 202 रन थे, 18 की एवरेज थी, उनका रिसेंट फॉर्म थोड़ा सही हुआ है। यहाँ पे आते हैं उस्मान ख्वाजा, 17 मैचेस के अंदर 23 की एवरेज है, 388 रन है और हाइएस्ट यहाँ पे 66, मतलब पिछले साल इनका अच्छा सीजन नहीं गया था, मैं आपसे डायरेक्टली कहूँ तो, क्योंकि 17 मैचेस खेल गया, सिर्फ 400 के आसपास रन बनना है, इनके उल्टे ज़्यादा बनने चाहिए थे, 17 मैचेस में 500+ रन्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं बना पाए थे। और यहाँ पे एलेक्स हिल्स का वीडियो आया था, मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, बैटिंग कर रहे थे नेट्स के अंदर। आते हैं फिर यहाँ से कुलम फर्गसन, 17 मैचेस के अंदर 376 रन से, हाइस्ट 73 था, कैप्टन है दूसरे टीम का, ये परफॉर्मेंस देता है तो टीम पक्का जीतेगी वरना हारने वाली है। फिर आते हैं यहाँ से क्या इनका 2018 का परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, मतलब कि सिर्फ 14 मैचेस खेले थे 2018 के अंदर और 450 रन थे, पर आप ये देखो 2019 के अंदर इस भाई ने 17 मैचेस खेले, उल्टे ज़्यादा मैचेस खेले 2018 से और सिर्फ 400 के आसपास रन थे। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, एक अच्छे खिलाड़ी है। फिर आते हैं यहाँ से मैथ्यू ग्लिक्स, 7 मैचेस के अंदर 15 की एवरेज, 93 रन, 41 है,
फिर आते हैं यहाँ से एलेक्स रूस, 17 मैचेस के अंदर 372 रन, 201 बैट्समैन, जो नंबर 5 पे आता है। मैं आपको बताऊँ बिग बैश लीग के अंदर सबसे बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन कौन है, मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जितनी वर्ल्ड के अंदर लीग होती है ना उसके अंदर सबसे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन सबसे बेहतरीन लगते हैं, एक तो एलेक्स रूस है, ठीक है, जॉन विल्स उनको आप जानते रहेंगे, जोनाथन विल्स करके नाम है, एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी हैं दोस्तों, इतने शानदार खिलाड़ी, शब्द कम पड़ते हैं दोनों के लिए, हर बार मिडल ऑर्डर के अंदर पता नहीं कैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं। और इस बार तो फायदा क्या है, जो मिडल ऑर्डर के अंदर खेलते हैं ना वो बैट्समैन को आखिरी के अंदर 2 ओवर के पावर प्ले मिलते हैं। आपको रूल पता ही रहेगा कि 1 से लेकर 4 ओवर तक पावर प्ले रहता है, उसके बाद आप 11 से 18 ओवर के बीच के अंदर पावर प्ले ले सकते हो, तो इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। टीम डेविड भी यही कह रहे थे, जो टीम डेविड थे ना पिछले मैच खेल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको एडवांटेज मिला है यहाँ पे पावर प्ले का, हमें भी मोमेंटम मिलता है यहाँ पे। फिर आते हैं बैन केटिंग, इनका 14 मैचेस के अंदर 11 विकेट था, 217 रन थे, 2003 के अंदर 14 मैचेस में 250 रन से 12 विकेट थे। आते हैं डैनियल सैम, 17 मैचेस में 30 विकेट, 10 भाई का पिछले साल का हाईएस्ट विकेट टेकर था पूरे सीजन का, एक नंबर गेंदबाज, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ आपने देखा रहेगा थोड़ा सा हिला था, विराट कोहली को आउट करा था, लेकिन अच्छी बात वो लगी थी मेरे को। यहाँ साथ में क्रिस ग्रीन, 7 मैचेस में 3 विकेट है इस भाई के लास्ट ईयर, इनका एक्शन बैन हो गया था आपको पता रहेगा, बॉलिंग एक्शन, तो इसलिए इनको बिग बैश से बाहर कर दिया गया था। फिर आते हैं क्रिस टीमन, 11 मैचेस में 5 विकेट थे। आते हैं यहाँ से जॉन कुक, एक अच्छे गेंदबाज है, ये पता क्या है, ये केबल के लिए काम करते हैं, कुछ नेटवर्क्स रहती है ना, नेटवर्क केबल वगैरह उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। ये बंदा दोस्तों बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बैटिंग अच्छी करता है, प्रोफेशनल इसका बहुत अच्छा है, और 2018 के अंदर भी 9 मैचेस में 8 विकेट निकाले थे, पहली पारी के अंदर अच्छी बॉलिंग कराते हैं। नोट्स बनाओ यार, बहुत मदद मिलेगी आपको, पूरा वीडियो एक अच्छा सा रहता है, इतने स्टैट्स में क्यों निकालता हूँ यार, मतलब कि मैं आराम से वीडियो बना सकता था, सीधा स्टैट्स उठा के बस एक प्लेयर का स्टैट उठा देता कि भाई इस प्लेयर ने इतना रन करा, ऐसे दिखा देता आपको, खत्म कर देता मैं पूरा मैटर 10 मिनट का वीडियो बना के व्यूज के लिए, लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा कभी नहीं करा, आपको बस वही कहूंगा, नोट्स बनाओ, ग्रैंडली को टारगेट करो, मैं आपके साथ हूं। एडम लेन का आप देख सकते हो, 2019 के अंदर 12 मैचेस में 16 विकेट थे, इस भाई ने बिग बैश लीग के अंदर कभी नहीं खेला, इसने रिसेंटली 2019 के अंदर T20 खेला था, उसके बाद T20s नहीं खेला था। फिर आते हैं यहाँ से बेंच के ऊपर अर्जुन नायर, 15 मैचेस में 9 विकेट थे, ब्रैंडन डॉगेट के यहाँ पे 8 में 3 विकेट है। मेलबर्न स्टार्स मैंने आपको पहले स्टैट समझा दिए थे, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने स्टैट्स पिछले वीडियो में समझा दिए थे लास्ट ईयर कैसा रहा था प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से मार्कस स्टोनिस की 8 मैचेस के अंदर किसके अगेंस्ट में, सिडनी थंडर के अगेंस्ट में, आप सोचो यहाँ पे, ठीक है, मार्कस स्टोनिस ने ना सिडनी थंडर के अगेंस्ट में 8 मैचेस खेले हैं। अपन बात कर रहे हैं हेड टू हेड मैचेस की, तो इस भाई ने 271 रन करे हैं, हाईएस्ट 83, 5 विकेट, तो इस भाई ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया सिडनी थंडर के अगेंस्ट में, ठीक है, एक अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। पहले मैच में आपको मेरे को एक चीज़ बहुत शॉकिंग लगी यार, क्या जैसे अपने कौन डार्ची शॉट 2018 के हाईएस्ट रन स्कोरर, यहाँ पे जो फिलिपे 2019 के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर्स में थे, फिर अपने कौन थे, अपने मार्कस स्टोनिस आज के मैच के अंदर, तीनों भैया गोल्डन डक पे गए थे, पता नहीं क्या हुआ था आज। और बहुत लोगों ने मुझे कहा था यार आपने इनको कैप्टन क्यों बनाया, आप मुझे कमेंट करके बताना यार, आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे पसंदीदा आदमी हो, आपसे कहूँगा ना हर चीज़, तो आप मुझे बताना यार कि आप किसको कैप्टन बनाते हैं वहाँ पे, जो पिछले साल का हाईएस्ट रन स्कोरर है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं मार्कस स्टोनिस वगैरह, उनको आप कैप्टन बनाओगे फिर किसको बनाओगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से देखेंगे कौन, एंडर फ्लेचर इस टीम के अगेंस्ट में खेले नहीं है, ये पहली पारी के अंदर ज़्यादा अच्छा करते हैं, वैसे तो अपन देखते हैं ना दोनों पारियों में ठीक करें, लेकिन पहली पारी में थोड़ा सा स्पेशल फैक्टर बनता है। निक लार्किन आते हैं 5 मैचेस के अंदर, इनकी दोस्तों यहाँ पर देखो 100 के ऊपर एवरेज है और 223 रन है, हाईएस्ट 83 है, ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है आपको बताऊँ, क्या दिक्कत आ रही है, ये बंदा नंबर 5 पे आके खेल रहा है तो मतलब नहीं निकलता, इतना शानदार खिलाड़ी दोस्तों आप इनको क्यों वेस्ट कर रहे हो, बैन टंग के ऊपर खिला लो यार, बैन टंग को आप 2 डाउन भेजते हो, अच्छा निक लार्किन को भेजो, कुछ तो रन करके देगा। पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मैचेस में 158 रन से 79 की एवरेज है पहली पारी के अंदर। आते हैं हिल्टन कार्टराइट, 3 मैचेस के अंदर 43 की एवरेज है, 87 रन है, हाई 65 है, ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, दमखम रखते हैं। यहाँ से आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, 10 मैचेस के अंदर 26 की एवरेज है, 159 रन है, रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कि आप सोचो आईपीएल के अंदर भाई ने कुछ नहीं करा, फिर आता है इंडिया वर्सेस सीरीज के अंदर, वहाँ पे बहुत बुरा मारता है, पहले मैच के अंदर आता है और आते ही बिग बैश लीग के अंदर एक बड़ी पारी खेलता है। तो मेरे हिसाब से प्रीति जिंदा भी सोच रही है भाई क्या कर रहा था इस भाई ने, मेरे साथ मजाक कर रहा था यहाँ से। और हाईएस्ट 59, 5 विकेट है। आते हैं बैन टंग, 8 मैचेस के अंदर 225 रन और 96 का हाईएस्ट है। तो मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ से जो बैन टंग है ना सिडनी थंडर के अगेंस्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है कभी कभी, पर यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स रहेंगे ना आपकी कुछ चीज़ों को क्लियर कर देंगे। सैप गॉच आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आते हैं क्लिंटन गिलक्रिस्ट, 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। नैथन कुटरलैन के 7 मैचेस में 8 विकेट है। एडम जैम्पा के 8 में 11 विकेट है। स्पेशल रहता है हमेशा दूसरी पारी के अंदर। और यहाँ से दिलबर हुसैन इस टीम के अगेंस्ट में खेले नहीं है, आज के मैच में 2 विकेट निकाला था, 1 विकेट तो उनको बहुत लकीली मिला था। हिल्टन कार्टराइट ने दोस्तों बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था। बिल स्टैनली के 8 मैचेस के अंदर 6 विकेट है। और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, दिलबर हुसैन,
बिल्ली स्टैनलिक शायद ही करेंगे, मेरे हिसाब से बिल्ली स्टैनलिक का चांस ही नहीं बनता यार। यहाँ से नेथल गुल्टर और दिलबर हुसैन करेंगे, दोनों ने लास्ट मैच के अंदर दो दो डाला था 16 लेके 20 ओवर में। किसने डाला था? दिलबर हुसैन और नेथल गुल्टर नाइन ने। यहाँ पे बात करते हैं सिडनी थंडर की, यहाँ से आपको दिखेंगे एलेक्स हेल से जब खेलता है मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट में तो उसने 5 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 39 रन है, हाईएस्ट यहाँ पे 26 है, 8 की एवरेज एलेक्स हेल्स की, तो थोड़ा सा परेशान रहता है मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट में, ठीक है। और इनके पहली पारी के अंदर आप देख रहे हो 122 मैचेस के अंदर 25 की एवरेज है, और दूसरी पारी के अंदर ना 144 मैचेस में 34 की एवरेज है। तो आपसे कहूँ मैं क्या, यहाँ पर ये दूसरी पारी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब चेस करते हैं। पहली पारी में भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार पहली पारी में कुछ रन नहीं करे यार, 3000 रन कर रखे हैं, कहने का मतलब क्या, दूसरी पारी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो आप मतलब दूसरी पारी में मत डालना, और स्मॉल लीग के अंदर तो लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्रैंड लीग के अंदर मैं खुद उठाऊंगा इनको मैक्सिमम टीम से, फिर आज उस्मान ख्वाजा 8 मैचेस के अंदर 44 की एवरेज है, 306 रन है, इस भाई का 109 है, तो एक अच्छा खिलाड़ी है, पहली पारी के अंदर ज़्यादा बैटर करता है। आते हैं कुलम फर्गसन 12 मैचेस के अंदर 17 की एवरेज, और ये भी पहली पारी के अंदर बैटर करते हैं, वैसे चेस के टाइम पर इसने बड़ी बड़ी पारी खेली है, एक क्लास बैट्समैन है लाइक विराट कोहली 173 रन है, हाईएस्ट 41 है। फिर आते हैं यहाँ से मैथ्यू ग्लिक्स 2 मैचेस के अंदर 34 की एवरेज है, हाईएस्ट यहाँ पे 41-69 रन है। एलेक्स रोस आएंगे 10 मैचेस के अंदर 52 की एवरेज है, 260 रन है, हाईएस्ट 58 है। मैं बताऊंगा इस भाई को कब लेना है, जब आप टॉप ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को उठाते हो ना तब आपको एलेक्स रोस को लेना ही लेना है, जो मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आते हैं फिर बैन कटिंग्स 11 मैचेस में 39 की एवरेज है, 212 रन है इस भाई के। सोचो एक बार मेलबर्न स्टार्स का गेम्स में उस भाई ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 5 विकेट है, 81 इसका हाईएस्ट है। डैनियल सैम्स आते हैं यहाँ पे 5 मैचेस में उस भाई के 8 विकेट है, तो एक अच्छा खासा परफॉर्मर है, विद द बैट अच्छा कर रहा है, हाईएस्ट 42 92 रन है, तो एक अच्छा खिलाड़ी है, एज ए कैप्टनसी के लिए आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। आते हैं क्रिस ग्रीन 6 मैचेस में 7 विकेट है, एडम इलिस टीम के अगेंस्ट में खेले नहीं है, इसके डोमेस्टिक टी20s के अंदर 97 मैचेस में 116 विकेट है। स्पेशल चीज क्या, ये बंदा 150 प्लस डालता है। आते हैं क्रिस्टियन नूमन 8 मैचेस में 4 विकेट है, जोनो कुक्स के यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, डेथ रन कौन कराएगा, एडम मिलन कराएंगे कंफर्म है, डैनियल सैम्स कराएंगे ये भी कंफर्म है, बैन कटिंग्स का शायद यहाँ पे कराए ना कराए लेकिन आपको बॉलिंग कराते हुए जरूर दिखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं इसकी, जब इस मैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ है, मनुका ओवल पे, ठीक है। यहाँ से मार्कस स्टोनिस ने यहाँ पे 2 मैच सिर्फ 2 रन कराए, एंडर फ्लेचर ने यहाँ पे 12 रन कराए, हिल्टन कार्टराइट ने यहाँ पे 1 मैच के अंदर 46 की नॉट आउट आज ही पारी के लिए थी, ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पे 3 मैच के अंदर 48 रन कराए, 0 विकेट निकाला है। आज के मैच में भाई ने यहाँ पे 46 की पारी खेली, उससे पहले 1 रन बनाया, उससे पहले 1 रन बनाया था, तो उसकी 3 पारियों को मैंने स्प्लिट करके भी आपको बता दिया है। यहाँ से आते हैं बेन डंक 2 मैच में 8 रन है, निक लार्किन 28 नॉट आउट 16 नॉट आउट यहाँ पे अच्छा करते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर बैट्समैन है एज कम्पेयर टू बेन डंक। आते हैं नेथल कुटरनाइन 1 विकेट और 4 विकेट, एडम जैम्पे के 4 में 3 विकेट है, दिलवर भाई साहब के यहाँ पे 1 मैच में 2, बिल्ली स्टैनली के यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है, क्लिंट हिलचक्लीफ के यहाँ पे 1 विकेट है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सिडनी थंडर की, जिनका होम ग्राउंड है, एलेक्स हिल्स ने यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 42 की एवरेज रखी है, 42 रन है। यहाँ से आते हैं उस्मान ख्वाजा 3 मैचेस के अंदर यहाँ पे 12 की एवरेज है, 36 रन है। कुलम फर्गसन के यहाँ पे 4 मैचेस में 96 रन है, 32 की एवरेज है। आते हैं यहाँ से मैथ्यू ग्लिक्स यहाँ पे 2 मैचेस में 0 की एवरेज, मतलब गोल्डन डक पे आउट हुए थे। यहाँ पे आते हैं एलेक्स रोस, सो खिलाड़ी अलग है भाई की बात अलग है, एकदम हिट खिलाड़ी है, 2 मैचेस में 51 रन है। आते हैं फिर यहाँ से बेन कटिंग्स, ये स्वैनी के ऊपर आज तक कभी खेले नहीं है। आएंगे यहाँ से डैनियल सैम्स 4 मैचेस के अंदर 5 विकेट है, स्वैनी के ऊपर 45 रन है। आएंगे क्रिस ग्रीन 4 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, 57 रन यहाँ पे विद द बैट है। आते हैं फिर यहाँ से क्रिस्टियन नूमन 2 विकेट है, जोनो कुक्स यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। यहाँ पे बात करेंगे प्लेयर बैटल की, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। आप देखो यहाँ पे क्या स्पेशल है प्लेयर बैटल के अंदर, मार्कस स्टोनिस का यहाँ पे स्ट्रगल बनता है बैन कटिंग्स के सामने, 18 बॉल के अंदर भाई को 2 बार आउट करा है, ठीक है। मार्कस स्टोनिस को बैन कटिंग्स ने, क्रिस ग्रीन के सामने भी 11 बॉल के अंदर 1 बार आउट हुए, और क्रिस नूमन यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को 33 बॉल के अंदर 1 बार चलता कर चुके हैं। जोनाथन कुक्स को भाइयों बहुत बुरा मारा मार्कस स्टोनिस ने, 29 बॉल्स के अंदर 61 मारा 1 बार आउट हुए। एंड्रे फ्लेचर का क्रिस ग्रीन के सामने स्ट्रगल आपने देख रहेगा, एंड्रे फ्लेचर और क्रिस ग्रीन कहाँ पे खेल चुके हैं, ये खेल चुके हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर, ठीक है। ये गायना के कैप्टन थे क्रिस ग्रीन, आपको पता रहेगा, मेरे को याद है दोस्तों, आपको भी याद रहेगा, क्रिकेट को फॉलो करो अच्छे से सब याद रहेगा। दोस्तों मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एंड्रे फ्लेचर की 31 बॉल्स के अंदर यहाँ पे 1 बार आउट हुए, कौन, एंड्रे फ्लेचर, बहुत डिफेंसिव भी खेलते हैं क्रिस ग्रीन को, ठीक है, गायना के लिए खेलते थे। यहाँ से आते हैं हिल्टन कार्टराइट, ये ब्रेंडन डॉकेट के सामने यहाँ पे 1 बॉल के अंदर आउट हुए। यहाँ से दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, डैनियल सैम्स के सामने 24 बॉल के अंदर 2 बार आउट चुके हैं, ठीक है। डैनियल सैम्स एक बहुत ही समझदार गेंदबाज है जो कटर्स का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, तो आपको चीज़ ध्यान देनी है, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस डैनियल सैम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निक लार्किन अभी तक आउट में किसी के सामने, ये बॉलर्स के सामने। फिर आते हैं से बेन टेक, इनका स्ट्रगल दोस्तों एक तो डैनियल सैम्स के सामने 2 बार दोनों बॉल के अंदर आउट है, मतलब पहली बॉल के अंदर भी आउट करा, फिर दूसरे मैच के अंदर दूसरी बॉल पर आउट करा, तो 0 बॉल
मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जीरो रन है दो बॉल के अंदर डैनियल सैम्स का गेंस में बैन डक और दो बार आउट हो चुके हैं। वैसे क्रिस ग्रीन को आउट कर जाए कितनी बार 27 बॉल के अंदर एक बार आउट करा है। बैन कैटिंग्स ने इनको बैन डंक को 43 बॉल के अंदर दो बार आउट करा है। तो ऐसे बैन डंक की थोड़ी सी कहानी खत्म सी लगती है, अपन देखते हैं तो एक बार देखते हैं। पर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है ना तो आपको दो तीन टीम में लेके चलना पड़ेगा बैन डंक को। आते हैं एलेक्स हिल्स, इनका स्ट्रगल रहता है जिसके सामने आपको बताना चाहूंगा बिली स्टैनली के सामने, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे एलेक्स हिल्स का स्ट्रगल रहता है किसके सामने, यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये होगा बिली स्टैनली के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो बिली स्टैनली है ना एलेक्स हिल्स को 10 बॉल्स के अंदर ना दो बार आउट कर चुका है। सोच के देखो यार, मतलब कि जो एलेक्स हिल्स है थोड़ा सा परेशान रहते हैं बिली स्टैनली के सामने। एडन जंपे के सामने थोड़ा सा अटकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल के सामने विकार आउट है, नैथल गुटन के सामने विकार आउट है। यहाँ से बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की, इनका स्ट्रगल किसके सामने, मतलब दोनों पर्सन है कौन कौन, यहाँ पे सिडनी थंडर के, उन पे खतरा रहेगा। यहाँ से एलेक्स हिल्स के ऊपर रहेगा बिली स्टैनली का और उस्मान ख्वाजा पे रहेगा नैथन कुटरलैन का। स्पेशल चीज बताऊं आपको क्या है, नैथन कुटरलैन आते हैं 7वें 8वें ओवर के अंदर, तब तक रन कर जाएंगे उस्मान ख्वाजा, ठीक है। यहाँ से 16 बॉल के अंदर इस भाई को 3 दफा आउट कर, आप सोचो यार 16 बॉल के अंदर 3 बार आउट करना कितनी बड़ी बात होती है। मैक्सी भाई ने एक बार आउट करा है, बिली स्टैनली ने एक बार आउट करा है, कुलम फर्गसन का स्ट्रगल नैथन कुटरलैन के सामने 26 बॉल के अंदर 2 बार आउट करा है, ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक 14 बॉल के अंदर 1 बार आउट करा है, और ऐसे आते हैं एलेक्स रोस, इनका स्ट्रगल सिर्फ एडन जंपा के सामने। दोस्तों खिलाड़ी अलग है, ये एलेक्स रोस भाई की बात अलग है, 51 बॉल्स के अंदर 1 विकेट है। बैन कटिंग्स का यहाँ पे स्ट्रगल है एडन जंपा के सामने, 25 बॉल के अंदर 2 बार आउट है। यहाँ पे कॉमन कैप्टन दिखेगा आपको ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स हिल्स आपको ग्रैंड लीग के अंदर 100 बनाना है। मेरे लिए दोस्तों उस मैच के अंदर फिर से कहूँगा पहले नंबर पे आते हैं मार्कस स्टोनिस, दूसरे नंबर पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, आप ट्राई कर सकते हो। वरना मैं आपसे कहूँ ना उस्मान ख्वाजा को ट्राई करना एक टीम के अंदर, एंड्रे फ्लेचर को भी एक टीम के अंदर, कुलम फर्गसन भी एक दो टीम में बनते हैं, एलेक्स आप पंत के तौर पे ले सकते हो। नेट्स के अंदर इन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी जो उनका प्रैक्टिस सेशन हुआ था ना उसके अंदर, ठीक है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, आपकी बिना कुछ नहीं समझ में कहता हूँ, यहाँ पे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आप हमेशा मेरे साथ बने रहे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपको हमेशा अपना 101% देता रहूँगा। आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों मैंने वीडियो कब से बनाने की कोशिश करा था, कब जाके बनी है वीडियो, यहाँ पे मैं 8 बजे से बैठा था वीडियो बनाने, आप सोचिए यहाँ पे 9:23 हो रहा है, इतनी बार रिकेप करा है वीडियो को मैंने। मैं सोच रहा था यार एक चीज़ यहाँ से अपन अटक जाता है ना तो उसको मैं यहाँ पे रिकेप करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत मेहनत से मैंने यहाँ पे दोस्तों एक फोकस करा है, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले डैनियल सन्स को मैंने कैप्टन करा है, रीज़न क्या, क्योंकि ये है ना भाई ये बॉलिंग कराएगा डेथ ओवर के अंदर, ठीक है, और ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है तो उनको मैंने कैप्टन रखा है। थोड़ा सा रिस्की आप इनको हटा सकते हो, यहाँ से मैक्सी मेरे वाइस कैप्टन है, यहाँ से मार्कस स्टोनिस, हिल्टन कार्टराइट, यहाँ से मैंने एंड्रे फ्लेचर को हटाया, किस लिए, क्योंकि मेरे को चारों ऑलराउंडर्स चाहिए थे, ठीक है, इनको मैं हटा नहीं सकता। तो आप सोचिए यहाँ से आपको एक को तो हटाना पड़ेगा जब आप यहाँ पे एंड्रे फ्लेचर को लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे डैनियल सैम्स को नहीं हटाऊंगा, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है मैं मानता हूँ, लेकिन बीबीएल के हाइस्ट विकेट टेकर है, वो कहानी चल रही है ना, जो हाइस्ट विकेट टेकर होते हैं या फिर हाइस्ट रन स्कोर होते हैं वो चल ही नहीं रहे, जैसे कि आपने जो स्लिप हुए थे मार्कस स्टोनिस, फिर आपने टार्ची शॉट को देखा, पर मैं इनको कह सकता हूँ अच्छे बॉलर है। 4 ओवर डालते हैं, यहाँ से आते हैं एडम मिलिन, नैथन कुटरलैन, एडम जंपा, आपको ग्रैंड लीग के अंदर इनको ट्राई करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कहूँगा जो आपको दिख रहा है यहाँ से कौन, मैथ्यू ग्लिक्स, आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये भाई साहब दोनों नहीं खेलेंगे, ये आई थिंक सब्स्टिट्यूट्स के अंदर रहेंगे, तो ये खिलाड़ी ही बनते हैं आपको जिनको लेना पड़ेगा। फिर आते हैं यहाँ से एलेक्स हिल्स, ये एक ठीक ठाक खिलाड़ी है, बस इस भाई को बिली स्टैनली के सामने बच के रहना है, ये बड़ी पारी आपको खेलता हुआ दिखेगा, ठीक है, बस उसको अच्छे से जल जाए, या फिर आपको एडम जंपा भी इनको ईजिली आउट कर सकते हैं, आपको पता है यार स्पिन को अच्छा खेलते हैं वैसे तो एलेक्स हिल्स, लेकिन अटक सकते हैं। आते हैं ऐसे उस्मान ख्वाजा, नैथन कुटरलैन के सामने स्ट्रगल है, स्टार्टिंग के अंदर ही अच्छा खेल लेंगे, फिर पावर प्ले के बाद ना आते हैं नैथन कुटरलैन 7वें 8वें ओवर के अंदर, तो उनको आउट कर सकते हैं, 20-30 स्कोर कर जाएंगे। फिर आते हैं ऐसे हिल्टन कार्टराइट, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एंड्रे फ्लेचर, हिट या तो मिस, ऐसे खिलाड़ी हैं, छक्का बहुत अच्छा मारा था इस भाई ने, जो सिक्स है ना एक नंबर सिक्स था दोस्तों, मजा आ गया था देख के भाई का। यहाँ से बैन डंक एक दो टीम के अंदर ट्राई कर लेना, मुश्किल से कहूँगा। फिर यहाँ से निक लार्किन, एलेक्स रोस, कुलम फर्गसन, मैं कुलम फर्गसन के साथ जा रहा हूँ, आपको पता रहेगा जो मैंने टीम दिखाई थी, कुलम फर्गसन दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी हैं, वन डाउन बैटिंग करेंगे। एलेक्स रोस को जब ट्राई करना, जब आप यहाँ से या तो उस्मान ख्वाजा या तो एलेक्स रोस को उठाते हो ना, एक टीम में जरूर उठाना, दोनों को भी हटा सकते हो एक साथ, क्योंकि सामने थोड़ा सा खतरा है, एक तो बिली स्टैनली का, एक अपने कौन आपने देखा था ना कौन, नैथन कुटरलैन है, ठीक है। यहाँ से फिर बात करते हैं निक लार्किन, एक अच्छे खिलाड़ी, दमखम रखते हैं, इनको कब ट्राई करना, जब आप टॉप ऑर्डर में से मार्कस स्टोनिस या तो फिर एंड्रे फ्लेचर या हिल्टन कार्टराइट, तीनों में से किसी एक को उठाते हो तब ट्राई करना, यदि सिनेरियो आपको ट्राई करना है। टॉप ऑर्डर लेके मत बैठ जाना हर टीम के अंदर, जीएल टारगेट कर रहे हो तो ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रहेंगे, थोड़े से बैन कटिंग्स इंपॉर्टेंट है, मार्कस स्टोनिस इंपॉर्टेंट, डैनियल सैम्स इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से बात करते हैं नैथन कुटरलैन, एक अच्छे गेंदबाज है, दिलवर हुसैन आप ट्राई कर सकते हो, अगर यहाँ से सिडनी थंडर पहले बैटिंग करती है, क्रिस ग्रीन एक दो टीम में ट्राई कर लेना मुश्किल से, एडम जंपा एक अच्छे गेंदबाज, सिलेक्शन परसेंटेज भाई का कम हो चुका है। फिर आपको दिखेंगे यहाँ से एडम मिलन, इनके साथ मैं जाऊँगा, बिली स्टैनली को ट्राई करना जब आप यहाँ से एलेक्स हिल्स को हटाते हो, ठीक है।
जोनो कुक एक दो टीम के अंदर ट्राई कर लेना, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्च कर लेना @StatsGuruji या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। 51,000 सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी।